नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार मंडी के अंदर सरसों की आवक जोरों पर है। आज मंडी में सरसों की आवक और भाव के बारे में मार्केट टाइम टीवी की जो टीम है व्यापारी के यहां पहुंची है। हमारे साथ में मौजूद है व्यापारी रामोतार गुप्ता, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह के भाव है, क्या है। सबसे पहले तो रामोतार गुप्ता जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। फिलहाल बताइए कि सरसों के जो भाव है बाजार में क्या चल रहे हैं? सरसों को बाजार कल तो हमारे मंडी के भाव थे 5,000-5,050 के, आज जो बाजार है 50 रुपए तेज है। कुछ कारण क्या है कि कोई मार्केट मंडी है, छोटी जो मंडी है वो बंद है क्लोजिंग की वजह से, और कोई भाव आज हमारे मंडी का भाव है 51 से 51 से 25 का भाव है 42 लाख, और नीचे में सरसों बिक्री है, मॉइस्चर का माल बिक रहा है 4,500 से 4,800। चालू सीजन में सरसों का जो देश में कुल उत्पादन, क्या समझते हैं? समस्या क्या है उत्पादन की बात यह है कि जो हमारे सेमिनार हुई थी गुड़गांव में सेमिनार हुई थी, उसके में आंकड़ा आए थे 1,23,123 आए थे, और 123 तो ये, और 8 लाख आए थे पुराने चीजों का स्टॉक, तो कुल मिला के 135 हो गया। एक बड़ी गंभीर चीज इस सीजन में देखने को मिली है कि साल 2023 और 24 में खाद तेलों का जो आयात हुआ इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा आयात है 165 लाख टन, जिसकी बाजार कीमत करीब 1,40,000 करोड़ रुपए है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? है ये तेल जो आयात हुआ है, जो विदेशी तेल आ रहे हैं, चार तरह के तेल आ रहे हैं, सनफ्लावर है, राइस है, बिनोला है, कई तरह के तेल जो विदेशी तेल आते हैं, उनसे क्या है कि मार्केट में फर्क पड़ता है, कि इस बात में फर्क पड़ता है कि वहाँ जो हमारा तेल तो है 102 और वो तेल पड़ता है 10 रुपये किलो नीचा। एक और चौंकाने वाला जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है कि देश में खाद्य तेलों की कुल खपत जो करीब 220 लाख टन की है और हम केवल एक तिहाई उत्पादन कर रहे हैं, इस सीजन में करीब 78 लाख टन का प्रोटेक्शन देखा जा रहा है और बाकी तेल विदेशों से आ रहा है, तो भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? इसके कारण ये है कि तेल की खपत तो अपने यहाँ जितनी उतनी है खपत तो, लेकिन कारण क्या है, जो मिक्सिंग होती है तेल की, जो विदेशी तेल आता है वो मंदा पड़ता है, इसलिए खपत कम होती है अपने यहाँ की तेल की। देश का जो खाद्य तेल है, इतना बड़ा बाजार है, इसमें किसान दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा और किसान को प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलता है? किसानों को प्रोत्साहन की बात तो ये है कि मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि गवर्नमेंट की जो बाजार में भाव मिल रहे हैं किसान को जो भाव मिल रहे हैं, वो हमारे मंडी में क्या है, गवर्नमेंट ने अभी ये लगा लो, गवर्नमेंट को कांटे लगाने चाहिए थे एक महीना पहले, जो गवर्नमेंट कांटे लगा पा रही है अब हमारे मंडी में 21 से कांटे लग रहा है, और वहां पे हरियाणा में कांटे लग गए, सिसु तुल रही है, और राजस्थान में अपने जो कोटा बूंदी बारह वहां तुल रही है सिसु, और अपने अलवर जिले में सिसु 21 से कांटे लग जाए जिले में। बीते साल भी देखा गया था कि सरकारी खरीद बहुत देर से शुरू हुई और इस सीजन में अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, और जबकि MSP 5650 है और बाजार में सरसों 4200 से 5000 बिक रही है। आप कारोबारी इस विषय पर आवाज बुलंद क्यों नहीं करते हैं? ऐसी बात है, खरीद किया गया गवर्नमेंट की खरीद हुई है, अब गवर्नमेंट खरीद तो ये बात है, गवर्नमेंट ने 15-20 दिन लेट कर दी खरीद, खरीद होनी चाहिए थी मतलब 15 मार्च के आसपास, अब ये है कि अभी गवर्नमेंट के पास 12 दिन तो आ रहा बताए सुनने में ही आई है। गवर्नमेंट ने 21 अपने जिले में राजस्थान में जो सिस्तु खरीद कर दी है, हरियाणा में सिस्तु खरीद अभी 3 दिन हो गए खरीद चालू है हरियाणा में तो, और गवर्नमेंट है अब मंडी में काश्तकार का माल तो बिक रहा है 4,500 से 5,000 के बीच में, और गवर्नमेंट रेट है 5,650। चालू सीजन में सरसों का उत्पादन क्या मानते हैं और उससे तेल की रिकवरी कितनी है? तेल की रिकवरी तो ऐसी बात है, तेल की जो कई साल तो तेल की मात्रा परसेंट तेल की कम थी, अब तेल की बढ़काया है, तेल बढ़काया है, लेकिन कुल मिला का बात यह है कि मतलब खपत तो उतनी है, लेकिन क्या है कि खपत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विदेश तेल की खपत से कम होती है खपत। बाकी जो तिलहन फसलों की बात करते हैं तो उसपे क्या असर पड़ता है, साथ ही सोयाबीन हो, मूंगफली हो या सूरजमुखी हो, इसका कितना असर आप देखते हैं? नहीं, इनका असर तो कम पड़ता है, लेकिन भाव तो मतलब जैसे पैदावार के ऊपर डिपेंड है, पैदावार ज्यादा होती है कि सरसों के तेल के ऊपर भी फर्क पड़ता है, लेकिन इससे नहीं खास तेल फर्क पड़ता है, विदेश से तेल आते ना, ये है कि मतलब ये विदेशी तेल हो जाए महंगे तो यहाँ भी बाजार महंगे हो जाएंगे, और विदेशी तेल घटते हैं तो यहाँ भी घट जाते हैं बाजार। अभी सरसों के तेल में अन्य तेलों की ब्लेडिंग पर सरकार ने कदम उठाए, लेकिन उसके बावजूद आवक शुरू नहीं हो पाई, फिर भी मार्च अंत तक कोई इंतजाम नहीं, क्या कुछ दाल में काला जैसा नजर आ रहा है?
ना ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है कि आप ये लगा लो अपने, ये आज हमारी मंडी है, ये सपोज करो अलवर मंडी लगा लो, अलवर मंडी में 15,000 कट्टे की आमद आए, जो आसपास की मंडी है खैचल मंडी है, इस खैचल मंडी में कल भी 35 से 40,000 कट्टे थे और आज भी 25 से 30,000 कट्टे हैं, 30,000 की आमद है। और बगल बगल में बड़ो मंडी है, वहां भी 10 से 10,000 कट्टे की आमद है, 10,000 कट्टे की आमद है। मतलब अगर विश्व स्तर पर देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का है और करीब 4,000 लाख टन का है, और फिर दूसरे स्तर पर सरसों है, 807 लाख टन है। सोयाबीन का उत्पादन सरसों से करीब 400% ज्यादा है, फिर मूंगफली, सूरजमुखी और कोपरा का नंबर है। ऐसे में सरसों का बाजार बड़ा हो सकता है, फिर इस चीज को फिर चूक कहाँ हो रही है? चूक की ऐसी बात है, चूक कहीं नहीं हो रही है, कुल मिलाकर डिपेंड है इसके अपने सोया, अपने सोया ये तेल हो, कोई भी तेल हो चाहे, अपने जो ये मिक्सिंग कारण है, मेन कारण तो मिक्सिंग का ही है, मिक्सिंग का है। कुछ ये क्या है कि विदेश तेल है, विदेश तेल तेज होएंगे तो यही बाजार तेज जाएंगे। अब रही बात ये, अब गवर्नमेंट सपोज करो, गवर्नमेंट अगर ड्यूटी बढ़ा दे, 25% ड्यूटी बढ़ा दे सरसों के ऊपर, विदेश तेल के ऊपर, तो बाजार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो विश्व स्तर पर ये साफ हो चुका है कि सरसों और कोपरा से बेहतर खाने का कोई दूसरा तेल नहीं है। फिर इन तेलों के स्थान पर भारत में भी सोयाबीन को और आयात किए हुए पाम पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? पाम तेल चाहे, मैं कहता हूँ एक बात, अब भी कह रहा हूँ कि पाम तेल हो चाहे वो सनफ्लावर, कोई सा तेल हो, विदेश तेल, सब विदेश तेल तो ही है। लेकिन इनके क्या, इनके पास बहुत से अपने जो ब्लेंडर, इनका लाइसेंस भी इनके पास मिक्सिंग करने का। लेकिन बाहर का तेल जो पड़ रहा है वो कुल मिला के बात है, हमारे मंडी का इनका तेल है 102 का भाव है, हमारे तेल का भाव 700 का, वो पड़ता है 92 रुपये किलो, वो 10 रुपये किलो का फर्क आ रहा है। अब विदेशी तेल जब तक, अब देख रहे हो 2-3 दिन से बाजार नीचे हैं, तो बस सरसों बाजार नीचे हैं, अब विदेशी बाजार बढ़ जाएंगे वहाँ, और 2 दिन से मार्केट बंद है विदेशी बाजार, तो करवा कर गुड फ्राइडे शनिवार को बंद रहता है, संडे बढ़ गया, सोमवार को मार्केट खुलेगा। पाम तेल किसी भी प्रकार से व्यक्ति के विशेष के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर आयात, क्या लगता है अंतरराष्ट्रीय कोई साजिश है ये? ना ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिला के बात है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दे तो सब काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बाजार 25% ड्यूटी बढ़ा दे गवर्नमेंट तो सिर्फ भाव यहाँ हो जाएगा 54 रुपये, जो बिक्री आज 54 रुपये। जब चीन के लहसुन को लेकर अमेरिका की संसद में ये मुद्दा उठ सकता है, तो चीन अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलने की साजिश रच रहा है, तो अमेरिका ब्राजील पाम को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते है? ऐसी बात है, उनकी आवाज उठाने से क्या होगा? लेकिन मिला के ये है, अपने को, अपने को तो अपने यहाँ राजस्थान की, इंडिया की बात करनी है। अब ब्राजील से क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसे क्या मतलब? फैक्ट सारा सारा उसके बस अटक रहा है कि विदेश तेल के ऊपर, मेन बात यह है। तो सोयाबीन तेल और DOC का बाजार कैसा लग रहा है? सोयाबीन का तेल बाजार तो वही, बाजार तो वही पड़े हुए बाजार है। मैं कह रहा हूँ जो सोयाबीन हो, जो कोई भी तेल हो चाहे यहाँ का, चाहे अपने यहाँ का, जो विदेशी बाजार के ऊपर डिपेंड है, कुछ लग बात ही है। हमारे साथ में मंडी के व्यापारी रामोतार गुप्ता जी मौजूद थे, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी कि सरसों को लेकर क्या चल रहा है। अलवर से नितिन शर्मा, अलवर।